नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली करारी हार के बाद सुस्त पड़ी कांग्रेस इन दिनों एक्टिव होती दिख रही है। कांग्रेस की सक्रियता बढ़ रही है और हमने देखा है कि कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर खेलने का काम किया है और इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कृषि कानूनों के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमलावर है और कांग्रेस का जो संगठन है वो भी एक्टिव होता दिख रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस में तमाम तरह के घमासान भी हुए। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के नेतृत्व पर सक्रिय न होने के को लेकर सवाल खड़े किए और उसके बाद एक चिट्ठी को लेकर जो चिट्ठी लीक हुई उसको लेकर भी पार्टी के अंदर घमासान मचा। इस सब के बाद अब जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चरम पर है, ऐसे में कांग्रेस ने उन तमाम झटकों को पीछे छोड़ते हुए खुद को रिवाइव करने की कोशिश की है और आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव के लिए वो खुद को एक्टिव रोल में ला रही है, ऐसा दिख रहा है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, कीजिए डाउनलोड, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कांग्रेस जो बिहार चुनाव में अपने बहुत खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं की आलोचना के कारण निशाने पर थी, सहयोगियों की के द्वारा आलोचना करने पर निशाने पर थी, उसके बाद हैदराबाद नगर निगम का जो चुनाव हुआ वहां पार्टी का खराब प्रदर्शन खराब रहा, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो चुनाव हुए वहां पर पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और इस सबके बीच में पार्टी के अंदर नेताओं की जो बयानबाजी थी वो भी लगातार जारी रही। लेकिन अब जब कृषि कानूनों का मसला आया और किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर धरना शुरू किया, तब से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लगातार सांगठनिक दृष्टि से खुद को एक्टिव कर रही है। और हमने देखा कि हाल ही में पार्टी ने देश के सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में एक लड़ाई लड़ने का काम किया, राजभवन का घेराव किया और पार्टी ने यह दिखाया कि वो अभी जो उसका संगठन है वो एक्टिव है। और इस सबके बीच में आने वाले कुछ महीने मैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और इन राज्यों में के लिए भी कांग्रेस कमर कसती दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले बात करूंगा बंगाल की। बंगाल में कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए जल्दी डिसीजन लिया और लेफ्ट पार्टी की पार्टीज के साथ उसने एक अपना गठबंधन तैयार कर लिया। अब इसके बाद बात असम की। असम में कांग्रेस की 15 सालों तक सरकार रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी से उसको हार मिली थी लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक जिसे कहा जाना चाहिए सियासी सूझबूझ वाला कदम उठाया है। कदम यह है कि कांग्रेस ने वहां की जो पार्टी है असम की, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उसके साथ गठबंधन किया है। इसके अलावा CPIML, CPIM और कुछ और दलों के साथ उसने वहां पर गठबंधन किया है। 5 दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है और उसके नेतृत्व में वो वहां की बीजेपी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पुडुचेरी में भी पार्टी की जो एक्टिवनेस है वो ठीक ठाक दिख रही है। केरला में भी, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां भी पार्टी का संगठन थोड़ा सा सक्रिय भूमिका में आता दिख रहा है। और इसके अलावा तमिलनाडु में पार्टी का DMK के साथ गठबंधन है और गठबंधन में मिलकर ही वो चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाना चाहिए कि कृषि कानूनों ने कांग्रेस को, जो लुंज पुंज कांग्रेस थी, सुस्त कांग्रेस थी, उसको संजीवनी देने का काम किया है। और ऐसे में पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कृषि कानूनों का आने वाला भविष्य या आने वाले दिनों में जो कुछ हो, किसानों का आंदोलन लंबा चले या मोदी सरकार उनकी बात मान ले, ये एक दूसरी बात है, लेकिन पार्टी को अपने संगठन को गतिशील बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जो बंगाल का चुनाव है या जो असम का चुनाव है या जो तमिलनाडु का चुनाव है, केरला का चुनाव है, पुडुचेरी का चुनाव है, इन राज्यों के चुनावों से बहुत कुछ तय होने वाला है। इन राज्यों के चुनावों से 2022 के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन अहम राज्यों के चुनावों का मुस्तकबिल लिखा तो नहीं जाएगा कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि असर जरूर इन राज्यों का पड़ेगा। इसके बरक्स, इसके कंपैरिजन में आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो उसकी असम में भी तैयारी अच्छी दिख रही है, तमिलनाडु में भी, बंगाल में उसने पूरा जोर अपना लगाया हुआ है, केरला जहां उसके पास वोट बैंक नहीं है, उसका जनाधार अच्छा नहीं है, वहां भी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। और राजनीति में आपका सबसे पहला काम यही है कि जब आप अपोजिशन में हो तो लगातार जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े।
और जब आप सत्ता में हो तो अपने कार्यक्रमों से पार्टी के बीच में पहुंचे। कांग्रेस अभी अपोजिशन में है और अपोजिशन में रहते हुए उसको ज्यादा एक्टिव ज्यादा सक्रिय देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक साल का वक्त है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए एक साल का वक्त बहुत कम होता है। वहां तमाम सियासी जो दूसरे दल हैं वो अपने गठबंधन के लिए सक्रिय हैं। कांग्रेस अकेली दिखाई दे रही है, हालांकि उसका विश्वास प्रियंका गांधी वाड्रा पर है, लेकिन देखना होगा कि क्या अकेले प्रियंका गांधी वाड्रा कोई तकदीर कांग्रेस की बदल पाएंगी। 2017 का हमने विधानसभा चुनाव देखा, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ जब कांग्रेस का गठबंधन रहा तो वो गठबंधन बेहतर परिणाम नहीं दे सका। और अब कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है, इन पांच राज्यों के चुनाव को लड़ना चाहती है, तो इसी तरह फ्रंट फुट पर खेले, क्योंकि अभी वो अपोजिशन में है और अपोजिशन में रहते हुए आपको जनता के मुद्दे उठाना, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना, यही सारे काम आपको करने होते हैं। और इस सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्यों में सक्रिय नेतृत्व देने का काम कर रही है, एक्टिव है, बंगाल में वो लड़ाई लड़ रही है, उसी तरह कांग्रेस को भी अगर अपना राष्ट्रीय दर्जा बचाकर रखना है, राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बचाकर रखना है, तो उसको बहुत एक्टिव होकर उस रोल को प्ले करना होगा जो अपोजिशन में जनता आपसे उम्मीद रखती है। क्योंकि कांग्रेस की कई बार इस बात को लेकर आलोचना हुई है कि उसका संगठन गतिशील नहीं है, वो जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने से पीछे हटती है, वो अपने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाती, इसके अलावा वो सरकार को घेरने में नाकाम रहती है, राहुल गांधी कम रैलियां करते हैं, वो सक्रिय नहीं दिखाई देते, वो बाहर चले जाते हैं। इस सब को लेकर कांग्रेस आलोचना का शिकार होती रही है, हो चुकी है। अपोजिशन में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर जब आप अपोजिशन में होते तब होती है। और देखना होगा कि कांग्रेस क्या जो कृषि कानूनों के मसले से उसे संजीवनी मिली है उस पर उसे क्या बरकरार रख पाएगी, संगठन कांग्रेस का क्या एक्टिव फिर से होगा एक बार, और इन पांच राज्यों के चुनाव में असम में बंगाल में और भी जो तमाम राज्य है वहां पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर नजर बनी रहेगी। और तमाम इससे जुड़े जो तमाम अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।